The completion of 4 years and many achievements that the Honorable Minister has also talked about. We have also been kind of reflecting on all those achievements of 2014 to 2018. And in the same line that we have already been moving forward in terms of railways, various measures and initiatives that are being taken for passenger and the freight business and passengers and our customers, the major customers. One of the most important things in this is e-ticketing. And IRCTC e-ticketing website that you people have been hearing about, we have been working on this for the last about a couple of months. Isko kis tarah se zyada se zyada user-friendly kiya jaye, isko behtareen banaya jaye, aur ye kisi bhi dusri antarrashtriya aur rashtriya jo websites hain, kisi bhi service department ki, unse behtar website ek hamare paas honi chahiye, kyunki jitna volumes of passengers hum log daily isko use karte hain, usko dekhte hue ye bahut zaruri bhi ho gaya tha. 2014 mein ye pichli baar upgrade kari gayi thi, uske baad ye ab upgrade kari ja rahi hai, aur is baar hum logon ne wo sare jitne bhi cheeze ho sakti hain isko smooth karne ke liye aur user friendly banane ke liye jo kisi bhi achhi website mein hain un sab ko liya hai, experts ki opinion liye hain, aur Chris ne CTC ke sath milke ye website taiyar kar li hai. Is website ka beta version jo ek experimental version hota hai wo aaj raat ke 12 baje se isko launch kiya jayega, aur gradually wahan pe aap purani website pe jayenge, wahan aapse pucha jayega ki aap hamari nayi website jo hai इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पर जाते ही आपको नई वेबसाइट मिलेगी. इसके साथ में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली माइग्रेट करेंगे. करीब 15 से 20 दिन तक हम लोग दोनों को पैरेलल चलाएंगे, 15-20 दिन के बाद फिर ये एक ही नई वाली वेबसाइट ये चलेगी. नई वाली वेबसाइट के साथ साथ इसमें एक फीडबैक भी है आखिर में, जिसमें हम लोगों से फीडबैक भी पूछेंगे, उनके सुझाव पूछेंगे, और ये पूछेंगे इस वेबसाइट को आपको कैसा लगा. तो इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं जिसके बारे में बताया जाएगा. हमारे साथ आज यहाँ मिस्टर मल भी हैं, IRCTC के मैनेजिंग डायरेक्टर, और क्रिस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर निगम भी हैं, उनके डायरेक्टर्स भी यहाँ पे हैं. तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाए जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अपनी ट्रेन आप सर्च करने के लिए सीट्स को लॉग इन करने से पहले बड़ी भारी चीज़ होती थी कि हमारी वेबसाइट में सबसे पहले सब कुछ लिखना पड़ता था आपको. आप पूरी अपनी कैफियत इतिहास सारा पहले दे दीजिए, उसके बाद फिर टिकट पर आते थे. ये अब हम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट पर नहीं होता, तो अब हम लोगों ने बहुत सिंपल कर दिया है कि सबसे पहले आप जाना चाहते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, किस ट्रेन में जाना चाहते हैं, ये सिर्फ आप कर दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. फिर आप आइए उस लॉगिन वाली स्टेज के ऊपर सारी चीज़ें निश्चित करने के बाद, जैसे कि और जगह भी होता है. इसके साथ साथ जो विकल्प का ऑप्शन है जो इन्हांस्ड है, जिसमें आपको अगर आज आप बुक कर रहे हैं और एक महीने बाद का टिकट आपको बुक करना है, तो पोस्ट डेट के से पहले भी प्री डेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एनी नंबर ऑफ डेज. आपको अगर पहली अगस्त को जाना है, तो पहली अगस्त से लेकर और आज से पहली अगस्त के बीच में भी अवेलेबिलिटी ट्रेनों की कहाँ है, कब है, वो सब भी आपको मिल जाएगी. और जिस पहली अगस्त को आपको जाना है, तो पहली अगस्त के बाद के भी 3 दिन के बारे में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं इन्फॉर्मेशन. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके अलावा सेपरेट कार्ड है हर पैसेंजर के लिए, जनरेट हो जाता है, डिटेल्स ऑफ बुकिंग आपकी डिस्प्ले हो जाती हैं, जो कंसेशन हैं उनके बारे में हो जाता है, बहुत सारे इसमें फिल्टर लगाए गए हैं, और सीमलेस नेविगेशन है जो कि कहीं भी आपको मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप हर एक पे ले जा सकता है. अब हम आपको इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जो हमारे क्रिस के सहयोगी करेंगे, और मिस्टर निगम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे. दिस इज द न्यू वेबसाइट दैट यू कैन सी. पहले पुरानी पे जाइए, जहाँ से आप क्लिक पे जाइए, ये अभी की एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसमें आपको शुरू से ही वो नाम पता सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. अब इसके ऊपर एक आपको ब्लिप मिलेगा जो वो रेड कलर का दिखाया हुआ है, बीटा वर्जन यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्लिप करके आएगा रात के 12 बजे के बाद से, जिसमें ये हुआ कि आप हमारी नई वेबसाइट यूज़ करें. इसको आप क्लिक करेंगे तो आप नई वेबसाइट पर जाएंगे. आईडी नंबर विल गिवन सेम, बात नंबर भी रहेगा. यहाँ पे आप शुरू करते हैं, इसको आप बताना शुरू करें कि ये आपका पहला फर्स्ट पेज ये मिलेगा. दिस विल बी द लैंडिंग पेज, दिस विल बी द लैंडिंग पेज वेयर यू कैन यू नो यू कैन राइट फ्रॉम एंड टू स्टेशन. ओनली फ्रॉम एंड टू आपको लिखना है, द डेट ऑफ जर्नी एंड द क्लास दैट यू वांट टू ट्रैवल. दिस इज द रिवैम्प्ड पेज, दिस इज द रिवैम्प्ड, दिस इज रिवैम्प्ड, दिस इज अ न्यू वेबसाइट. And on the top of it, you can see there's this. इसके दोनों पिक्चर्स दिखा दीजिए, बाकी दो और भी जो हैं जो आएंगे स्क्रीन्स, इनको डल किया गया है. अच्छा ठीक है, ओके, गो बैक. तो उसमें जो ग्रीन आ रहा है, that gives you an option of changing the size of the font. और तो फ़ॉन्ट साइज भी आप बढ़ा कर सकते हैं पूरा आराम से देख लीजिए, नहीं कि आपको बिल्कुल गहराई से पढ़ना पड़ रहा है, कुछ लोगों को असुविधा होती है, उसका भी ध्यान रखा गया है. एंड बेसिकली जो नीचे कॉलम दिया है आप ऑल क्लासेस के नीचे, उसमें फ्लेक्सिबल डेट्स का भी दिया है कि इन केस यू वांट टू चेंज द डेट्स,
And second one is of Divyang. You know, if you are Divyang, then you know that gets notified right in the beginning. फिर fine prints and PNR status. फिर ये आ गया आपका इनाम journey planner. इसमें filters दिए हैं जैसे first filter is of journey class. यानी आप कौन से class में travel करना चाहते हैं. The second filter is of type of train. जैसे हम लोग गरीब रथ राजधानी शताब्दी चलाते हैं तो that is the second filter. The third filter is regarding the departure and arrival time. यानी you don't want to जैसे आपने नई दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं बॉम्बे के लिए 7 ट्रेनें अवेलेबल हैं तो जो डिफॉल्ट है वो आएगा सबसे जो शॉर्टेस्ट जर्नी होगी वो सबसे पहले आएगी डिफॉल्ट 12 घंटे में कौन सी पहुँचना है 14 वाली कौन सी है 16 वाली कौन सी है बट यदि आप अपना चॉइस ये करना चाहते हैं कि मैं बॉम्बे मॉर्निंग में पहुँचना चाहता हूँ तो यू कैन राइट कि अराइवल टाइम मुझे 9 बजे चाहिए या 6 बजे चाहिए तो अकॉर्डिंगली वो आपको ऑप्शन उस तरह से बताएगा कि आप कौन सी ट्रेन नई दिल्ली से स्टार्ट करें जो आपको 6 बजे बॉम्बे पहुँचा सिमिलरली यानी आप डिपार्चर टाइम यू वॉन्ट टू गो आफ्टर डिनर तो 9 बजे के बाद कोई ट्रेन है तो वो उस तरह से आपको दी गई नेक्स्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन ये एक नया फीचर है बिल्कुल जिसमें कि आपको जो कुछ जगह और भी आपको शायद दिखता होगा जिसमें आपको ये पता लग जाएगा आप अगर वेट लिस्ट हो रहे हैं और आप आज की डेट में वेट लिस्ट हो रहे हैं और जब आपकी जर्नी की डेट है तो उसके चांसेस क्या हैं आपके कन्फर्म होने के ये इससे पहले कोई और बताए ये हम ही अपनी वेबसाइट में बताएंगे 2 साल का डेटा है उसको एनालाइज करके निकाला गया है 2 ईयर्स के डेटा के बेसिस के ऊपर और ये जैसे इसमें यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है कौन कौन से टिकट कंफर्म हुए थे जैसे इस दिन का टिकट निकाला तो ऊपर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन 96% दिस इज व्हाट द पैसेंजर नॉर्मली वांट्स टू नो आल्सो कौन सी वेटिंग लिस्ट का कंफर्म हाँ कि उसका क्या कंफर्मेशन होगा तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी है इसके साथ में आई मीन इट मे नॉट बी 100% एक्यूरेट बट हम लोगों का क्योंकि डेटा है हमारे ही पास है उसी के बेसिस के ऊपर ये वर्कआउट किया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन 96% जैसे आ गया है ये लिख के आ जाएगा 98% 99% 50% तो आप सोचेंगे कि हम दूसरी ट्रेन के लिए फिर बुकिंग करें सर दिस प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स डेटा एंड कंफर्मेशंस इन एडिशन टू दैट वी आर आल्सो गिविंग डेटा ऑफ लास्ट पहले 15 डेज